उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा उपचुनावों में विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आने वाले उपचुनावों में हाथ मिला सकती हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता रमन ममगई। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और शायद यही एक वजह भी थी कि प्रधानमंत्री ने बनारस से भी चुनाव लड़ा। अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरा जाए। राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी में नेता विपक्ष हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। ऐसे ही कुछ संकेत विधानसभा चुनाव से भी पहले दिए जा रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। अब देखना होगा कि किस तरह से दोनों पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती हैं या हाथ मिला पाती हैं। अभी मुंबई में एक अधिवेशन में अखिलेश यादव ने भी इस बात को सामने रखा। उनका कहना था कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। कुछ दिन पहले ही एक पोस्टर भी आया था, ट्वीट किया गया था, जिसमें मायावती अखिलेश यादव के साथ और भी विपक्ष नेताओं के साथ नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि बाद में मायावती ने और बीएसपी ने इस पोस्टर से इनकार कर दिया। लेकिन सुगबुगाहट विधानसभा के वक्त पर भी थी कि दोनों विपक्षी दल साथ आ सकते हैं और एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां जो एक दूसरे के धुर विरोधी थी हाथ मिला सकती हैं। रफीक के साथ रमन मंगाई, गो न्यूज़ दिल्ली।